तो ये पीछे हो जा, ये देखे भाई मेरे से कितना बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने जो ना पूरा पौधा जो है ना मिर्चों का तबाह कर दिया। ডিগিয়েছে রাস্তা ডিগিয়েছে। तो जनाब ये गुल दोपहर जो है ना स्कूल से चुरा के लाई हूँ मैं, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि इसको जो है ना वो घर में लगाऊं, तो मज़ीद हम इसको बढ़ाएंगे। बहुत सारी बाल्टियाँ और बहुत सारे बर्तन जो है ना वो फालतू घर में पड़े हुए हैं, तो फिर जो है ना इसको जो है ना आगे बढ़ाएंगे। इसके फूल जो है ना वो माशाल्लाह से रखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये मैं स्कूल से लेकर आई हूँ, इसको हम आगे काट के रखेंगे। अभी मैंने यहाँ पर रख दिए, क्योंकि जब छुट्टी होगी या कोई ऐसा टाइम होगा जब मेरे पास वक्त होगा तो हम जो है ना इसको और बर्तनों में भी आगे इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। तो अभी जो है ना इसकी शाखें काफ़ी निकली हुई हैं और इस पर फूल भी जो है ना वो बनने वाले हैं, डोडियां जो है ना इसको लगी हुई हैं। तो अभी इसको यहाँ रख देते हैं, जो है ना रोज़ इस पर धूप आएगी और यहाँ फूल निकलेंगे। तो जनाब अभी मैं जा रही हूँ सब्जी तोड़ने के लिए, पकाने के लिए, और मौसम देखें, दोपहर से इतनी गर्मी थी, अब यकदम से जो है ना वो बादल हो गए हैं और इतना मज़े का मौसम हो गया है। तो इधर से बोर भी चल रहा है, ट्यूबवेल, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो आए चलते हैं सब्जियां लेने के लिए। ये देखें आज केले के गुच्छे को ना माशाल्लाह से 5 गुच्छे इसके बन गए हैं, ये ना काफी बड़े हो गए हैं केले, अब ये दिन ब दिन जो है ना वो बड़े हो रहे हैं। अच्छा, मेरा आज सब्जी तोड़ने का कोई इरादा नहीं था और बिल्कुल अर्जेंट मैं आई हूँ, अर्जेंट ही प्लान बना है, क्योंकि और कुछ पकाने को था नहीं। तो अम्मी ने कहा कि थोड़ी सी भिंडियाँ ले आओ, प्याज और सब्ज मिर्चें थोड़ी सी मिक्स करके बना लो, आज जो है ना वो ऐसे ही गुजारा चलाओ, क्योंकि और कुछ जो है ना वो पकाने को था नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये तो मैंने उस दिन देखा ही नहीं था, टमाटर, टमाटर के पौधे 1-2 हैं, और ये देखें इनको माशाल्लाह से जो है ना वो कितने टमाटर लगे हुए हैं, 3 अभी हैं तो ये छोटे, मगर और भी फूल इसने उठाए हुए हैं। और एक और चीज आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मिर्चियाँ इतनी है ना कि चला भी नहीं जाता। ये देखें, ये है बैंगन का पौधा, ये देखें। अब ये वो होते हैं ना कि लगाए हैं नहीं तो पता नहीं किधर से आ गए, तो माशाल्लाह ये भी इसको फूल लगा हुआ है, ये नीचे एक बैंगन लगा हुआ है। ये जो मैंने कल परसों देखे तो मुझे इतनी खुशी हुई, एक वो भी टमाटर का पौधा वहां पे भी लगा हुआ है, देखती हूँ उसको भी टमाटर लगे हुए हैं कि नहीं। मिर्चें सारियां तबाह हो गई। नहीं, इसको अभी तक जो है ना टमाटर नहीं लगे, ये अभी तक बड़ा हुआ हुआ है बस। उठाओ मुझे दो। तो ये पीछे हो जा, ये देखें भाई मेरे से कितना बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने जो है ना पूरा पौधा जो है ना मिर्चों का तबाह कर दिया है। असल में है इतनी फैली हुई कि पाँव रखने को भी जगह नहीं है, तो मैं जो है ना वो अचानक से मेरा पाँव इसके ऊपर आ गया और ये देखें कड़क कड़क करके यहाँ से टूट गया। कितनी मजेदार इसके ऊपर जो है ना वो अचार वाली मिर्चें लगी हुई हैं। तो अब जो है ना इसको ऐसे ही लेके जाऊंगी घर,
और घर जाके जो है ना वो इसकी मिर्चें तोड़ लेंगे और बाकी जो पौधा वो बकरियों को पाएंगे। तो इसको जो है ना अभी मैं इधर रख लीजिए। हाय हाय हाय, तो मैं दूसरा भी नहीं लेके दस्ताना। उधर चाचू जो है ना वो जमीन बना रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहा है। आजकल जो है ना वो सीजन है, सीजन जमीनें बनाने का, कमाद की बिजाई का। अच्छा, अभी कल परसों जो है ना वो भिंडियां तोड़ी थी, इधर कितनी मजे की तितलियां फिर रही हैं। ये देख, तितली तितली तितली, ओ देख गई 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 नीचे। वाओ, ये भी आप एक ही है। वो देख तितली बैठी। रो किस काया बड़े लेवर का। हे हे, नीचे बना जी, मैं बराबर कैमरा करके बनाना हूँ। खुदा खुदा कर, खुदा खुदा कर, पहले ही अपना पौधा तोड़ के नुकसान करता। मिर्चा ने है ही पौधे इन्ने बड़े बड़े, पैर रखने भी नहीं जगह विच। तो जनाब सब्जी मैं ना तोड़ कर ले आई हूँ। ये देखें प्याज और भिंडियाँ, और ये देखो ऐसी भी कोई मिर्चें तोड़ता है भला जैसे मैंने तोड़ी है। हद नहीं हो गई वैसे, इतना मुझे अफसोस हो रहा है कि नुकसान हो गया। और यहाँ पे जनाब बकरियाँ बेचारी इंतजार कर रही हैं अपने चारे का, और उधर से जनाब बाबा जी लेकर आ रहे हैं इनके लिए चारा। तो जनाब फाइनली माशाल्लाह से जो है ना वो
तेल को जो है वो गरम कर लिया था, पका लिया था अच्छी तरह, और अब ये ना तकरीबन इसको पके हुए भी 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, तो अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब इसको जो है ना वो अपनी ऑयल वाली गैलन में जो है ना वो डालने का टाइम आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब फाइनली ये देखें जितनी मेरे पास ऑयल वाली गैलन थी ना, मैंने उनमें ऑयल डाल लिया है। तो ये 2.5 लीटर की बोतल थी, इसमें भी डाल लिया है, मगर देखचे में जो है ना अभी भी तकरीबन 1.5 से 2 किलो जो ऑयल है ना वो मौजूद है, लेकिन वो है भी नीचे वाला, तो उसको जो है ना वो छानना भी है, और थोड़ा सा वो अभी उसको रेस्ट देंगे ताकि जितनी भी मैल कुचैल है वो नीचे बैठ जाए, फिर ऊपर से साफ साफ ऑयल जो है ना वो किसी और बोतल में निकाल लेंगे। फिलहाल ये जो है ऑयल हमारा खाने के लिए तैयार हो चुका है, खाना पकाने के लिए। तो जनाब अभी ना बाहर जो है वो तेज हवा चलना शुरू हो गई है, और आपको दिख रहा है कि ये पर्दा भी हिल रहा है हवा के साथ। और इस वक्त जो है ना अम्मी को मैंने लगाया है सब्जी बनाने पे, और खुद मैं लगी हूँ अभी फ्रीजर को साफ करने। बहुत ही गंदा हुआ पड़ा है, और आप देख रहे हैं कि हमारा ये ना बाबा आदम के जमाने का फ्रीजर है। अब तो ऐसे डीप फ्रीजर होते भी नहीं है, मतलब कहीं कमर्शियली कोई रखता हो तो रखता हो, वरना घरों में तो आमतौर पे दूसरे ही होते हैं जो फ्रिज होते हैं, लेकिन ये है ना बहुत ही ज्यादा पुराना है, हमारी होश से तो पुराना। तो अब ये जो है ना वो बहुत ज्यादा मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा है, और आज अब्बू के हाथों जो है ना वो दही इसके अंदर गिर गई थी, तो अब जो है ना वो मुझे सारा इसको खोल के साफ करना पड़ेगा। मैंने काफी देर से बंद किया हुआ है ताकि जो है ना वो इसमें बर्फ वगैरह जो है ना वो निकल जाए। तो हमने बड़ा फ्रिज, वो जो दूसरा है फ्रिज, वो नहीं हमने लिया हुआ कोई भी, क्योंकि हमारा ना काम जरा ज्यादा है लंबा चौड़ा। हम यहाँ पे बड़ी बड़ी बाल्टियां और बड़ी बड़ी देगचियां जो है ना वो हमें रखनी पड़ती है, दूध वगैरह की, लस्सी की, पानी की, तो इसलिए जो है ना वो फिर हमें वो वाला फ्रिज जो है ना वो वारा नहीं खाता, इसलिए फिर हमने जो है ना वो इसी को रखा हुआ है कि जब तक चलता है तब तक तो चलाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसके नीचे का जो स्टैंड था ना वो तबाह हो गया हुआ है, वो खत्म हो गया, और अब ये बिल्कुल जो है ना जमीन पे पड़ा है, लेकिन अब जो है ना ये बिल्कुल सही चल रहा है, और अम्मी का हुक्म है कि जब तक चलता है इसको चलाओ।